पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में आप सभी के भीतर राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का संकल्प और हम सब एक आदर्श नागरिक बनकर के एक चाहित प्रमाण देश के नागरिक बनकर के अपने जीवन को चाहे बड़े होकर के किसी भी क्षेत्र में हम नेतृत्व करें बहुत बड़ा आदर्श चरित्र और एक आदर्श नागरिक के रूप में हम सेवा को कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देने के लिए तैयार रहे इसके लिए आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास बताते हैं। उसकी विधि को स्कूलों में आपको मैं विधि को बता रहा हूँ और आप इसका प्रैक्टिस रोज घर पे करना है। चाहिए दाहिने हाथ को उठा लीजिए दाहिना धीरे धीरे। अब दाहिने हाथ को ऊपर उठा करके और तर्जनी को मोड़ लीजिए ऐसे। अंगुली का नाम एक बार याद कर लीजिएगा। ये है अंगूठा। बोलिए अंगूठा। तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा। अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा। फिर बोलिए अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा। याद हो गया। अब अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिला लेना है बाएं हथेली वाला। अब बाएं हथेली को नीचे रखेंगे और दाहिने हाथ को उठा करके तर्जनी को मोड़ देंगे और दाहिने अंगूठा को दाहिने हाथ में तो उठाना जिससे भोजन करते हो। अब दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखना है। नाक पे रखिए। बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए फिर बाएं नाक को बंद कर लीजिए और दाहिने से सांस को छोड़िए फिर दाहिने से भरिए दाहिना बंद करके और बाएं से छोड़िए। फिर करिए इसका अभ्यास। बाएं से धीरे धीरे सांस भरिए और बाएं से जब सांस भर जाए तो ये मध्यमा और अनामिका उंगली से बाएं नाक को बंद कर देना है और दाहिने नाक से सांस को धीरे धीरे छोड़ देना है फिर दाहिने से भर लेना है। दाहिना बंद करके और बाएं से छोड़ देना है। समझ गए आप लोग। दाहिने अंगूठे को किस नाक पर रखना है? दाहिने नाक पर। और सांस किससे भरना है? बाएं नाक से। फिर बाएं नाक को बंद करके किससे छोड़ना है? दाहिने से। और फिर दाहिने से भर के किससे छोड़ना है? बहुत अच्छा। ये अभ्यास करने से जीवन भर कभी भी आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी भी माइग्रेन माथा दर्द नहीं करेगा, कभी भी लकवा नहीं लगेगा, कभी भी माथा दर्द नहीं करेगा, कभी तनाव क्रोध और कभी भी आप नकारात्मक विचारों से आप प्रभावित नहीं होंगे और आप हमेशा पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके आप एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण भी करेंगे। ओम।